थैंक यू। I can't, मतलब आई एम सो ओवरवेलम्ड विद द लव दैट आई हैव गॉट बिकॉज आई नो इट्स बीन आई कीप सेइंग कि ये मेरा सेकेंड चांस है और यू नो बहुत दिनों के बाद ऐसा फिक्शन का शो कर रही हूँ और जो रिस्पॉन्स मिला है इसको इट्स बीन सो ओवरवेलमिंग आई एम वेरी एक्साइटेड आई एम वेरी हैप्पी। फ़र्क तो बहुत है ऑब्वियसली क्योंकि ये कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ लेकिन मुझे जो अमीना की बात जो बहुत अच्छी लगी वो बहुत रियल है क्योंकि सिर्फ उसके उसके लाइफ में भी फ्लॉज हैं उसकी प्रोफेशनल लाइफ में जितनी वो है उतनी उसकी पर्सनल लाइफ सैड है तो ये जो जक्स्टपोजिशन था वो मुझे बहुत अच्छा लगा एज एन एक्टर आई एंजॉयड प्लेइंग दिस कैरेक्टर क्योंकि मुझे लगा ये रियल है। सेकेंड सीजन यू नो मैं भी वेट कर रही हूँ उसकी एंड आई डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग टू बी डूइंग लेकिन मैं कहूँगी अगर आपने सीरीज़ देखी है तो कहीं पे जब राधा जाती है उनके पास तो वो कहती है कि दीपांकर भी चला गया वो भी गई है तो मतलब यू नो कि दीपांकर और अमीना और पंकज ये सब एक साथ काम करते थे सो यू नो बहुत हिस्ट्री है उनकी। अब ये हिस्ट्री क्या है ये मुझे भी नहीं पता वो अभी देखेंगे। अब मैं श्रेया और जयदीप की वेट कर रही हूँ आई थिंक एक बार वो दोनों आएंगे ना तब मज़ा ज़्यादा आएगा जब हम तीनों मिल के इन्जॉय करेंगे बाकी तो ऑफकोर्स चैनल है डायरेक्टर्स हैं विनय सर यू नो ये सवाल विनय जी से पूछना चाहिए कि ये पूछ रहे हैं कि दीपांकर और अमीना का एक भी सीन नहीं है आई शुड वो सेकेंड सीजन है करेक्ट आपको कमी खली नहीं वो अच्छी बात है क्योंकि दोनों का प्रेजेंस इतना स्ट्रांग था बट नेक्स्ट सीजन पक्का मैं प्रॉमिस करता हूँ कि दोनों का सीन होगा भी और ज़्यादा फायर वर्क होगा उसमें। हाँ पर देखो दैट इज द ब्यूटी की सर्कमस्टेंस देखो कैसा है और फिर दया भी आ जाती है कि यार क्या करें ये क्या लाइफ ऐसे वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल तो नहीं होती ना लाइफ की गहराई है यही है बेसिकली कि हमारे कुछ कंपल्शंस होते हैं कि हम चाहते हैं कुछ करना लाइफ में लेकिन फॉर व्हाट एवर रीज़न हम लोग वो कर नहीं पाते। ऐसे नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मैं लाइफ में करना चाहता हूँ वही होता है बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस लाइफ में आ जाता है वही वो कैरेक्टर की ब्यूटी है एंड इंस्पाइट ऑफ दैट आप उनको हेट नहीं करते आप समझते हैं कि यू नो बुरा कर रहा है बट शायद उनका रीज़न मैं उनकी जगह पे होता तो शायद मैं भी यही करता आप आइडेंटिफाई करते जब हम हमारे सामने जब चॉइसेस आते हैं तो कई बार हम एक चॉइस कर लेते हैं और फिर उधर से वापस आना होता है कई कोई लोग आ पाते हैं कभी कभी वो रास्ते से आना भी होगा ना तो भी वापस नहीं आ पाते हैं सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं और रियल लाइफ में भी आप कितने लोगों को देखोगे कि ऐसे है तो इट्स नॉट अबाउट कि ये अच्छा है या बुरा है इट्स अबाउट हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं। यार एक्चुअली मैं मिस नहीं कर रही हूँ इतना पता नहीं इट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर क्योंकि आई थिंक OTT पे जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो लॉन्ग फॉर्म है फिल्म का मुझे ये लगता है कि इसमें मैं कैरेक्टर्स को ज़्यादा लेयर्स दे सकती हूँ और एज एन एक्टर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसको करने में सो एट दिस मोमेंट तो मैं इसको इन्जॉय कर रही हूँ लेकिन ना नहीं बोल रही हूँ बस डिपेंड्स कि कैरेक्टर क्या है मुझे अगर अच्छा लगेगा तो ही करूँगी अदरवाइज आई एम वेरी हैप्पी। तो हम ऐसा मानेंगे इसी बड़े लेवल पर सोनाली जी बड़े पर्दे पर भी आने वाली है ऐसी कोई प्लानिंग चल रही है? बिल्कुल नहीं ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है लाइफ अभी हम मैं एक बात समझ चुकी हूँ लाइफ में कि हम प्लान करके कोई फ़ायदा नहीं होता है जो होना है वो होता है सो जो आ रहा है जो दिन है आई एम जस्ट एंजॉयिंग दैट डे। देखा मैंने कहा आई बीन टेलिंग देम कि श्रेया की वेट हो रही है आई कांट पार्टी कंप्लीट नहीं है जब तक श्रेया और जयदीप नहीं आ जाते। जयदीप जी हम यही बातें कर रहे थे कि बहुत ही एप्रिसिएशन मिल रहा है द ब्रोकन न्यूज़ को लेकर आप बताइए कि कैसे देखते हैं आप सीजन 2 की भी बातें हो रही है बहुत सारी बातें हो रही है आप पहले बताइए आप नहीं दो बड़े रीजन यहां खड़े हैं हमने तो सीजन 2 का बोल दिया क्या बिल्कुल बनना चाहिए आप ये बताओ इससे बेटर इनसे बेटर कौन बता पाएगा और वहाँ हैं कुछ लोग उनको भी पकड़िए हम चाहते हैं कि सीजन 2 बने क्योंकि बहुत कुछ बाकी है बहुत कुछ बताना बाकी इस कहानी में तो आई होप कि जल्दी शुरू बाकी थैंक यू फॉर सो मच लव।
ये है वो कल्प्रिट, इन्होंने चलाया मुझे उस तलवार पे कि इधर भी रहना और इधर भी रहना, लोग प्यार भी कर रहे हैं और नफरत भी कर रहे हैं। बट आई थिंक वो सबसे खूबसूरत बात उस किरदार की यही थी कि आप उसकी शेड्स देखने वाले हो। हर इंसान को वो एक बहुत मशहूर शेर है कि जिसे भी देखना कई बार देखना, हर इंसान में होते हैं 10-20 आदमी, तो पता नहीं है कौन कहाँ कैसे बिहेव करेगा। ह्यूमन बिहेवियर की खूबसूरती यही है कि आपको पता नहीं है कि कैसे होने वाला, हर एक आदमी अलग ढंग से बिहेव करेगा। तो उन्होंने लिखा इतना खूबसूरत तो हो गया। नेक्स्ट सीजन की बात क्यों किया है, नेक्स्ट सीजन में क्या देखने मिलेगा वो तो पता नहीं, बट इतना तो अश्योर कर सकता हूँ जो भी होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। फर्स्ट सीजन से हम लोग आगे जाके जस्टिस करेंगे उसका, ये तो पक्का है। नहीं, हम ब्रोकन न्यूज़ देते हैं, ब्रेकिंग ब्रेकिंग न्यूज़ हम ब्रोकन न्यूज़ वाले, ब्रेकिंग न्यूज़ वाले कोई और है। मैम आपका एक छोड़ो, मैम रुकिए ना, मैम मैम छोड़ो प्लीज। मैम द सीरीज इज टू गुड मैम, द सीरीज इज टू गुड मैम, आई वॉन्ट टेल यू।